एक्चुअली है ना, मैं 18 साल से भजन तो करता ही हूँ, राइट? तो बहुत टाइम से ऐसा होता है, खुद के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी भी थी, यूट्यूब पे भी देखी थी, लोगों से सुना भी था, सीखा भी था। तो हर बार ये सुना था कि भाई ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड के अंदर एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा हमेशा नीचे उतरती रहती है। तो मैंने इसका नाम रखा है ब्रह्मांड की ऊर्जा और हम, कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसमें पॉजिटिव भी बहुत है, नेगेटिव भी बहुत है। तो आप क्या उससे अट्रैक्ट करते हो वो आपको ब्रह्मांड देता है। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया कि भाई अगर सच में ऐसी बात है तो अफर्मेशन जो है, कि अगर आप अफर्मेशन करो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सुनो, तो इसका बहुत असर होता है। उसके बाद मैं सबसे सुना है कि भाई मेडिटेशन जो है वो बहुत अच्छा कार्य करता है। उसके बाद सात हमारे चक्र होते हैं, वो सातों चक्र जो है अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो अगर हील नहीं है, तो भी हमारे शरीर में हमको मेंटल प्रॉब्लम भी होती है, फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है। एंड ऐसी सब चीज़ें बहुत सारी सुनी थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसका कॉम्बिनेशन कर दिया कि अगर हम कोई भी काम अगर करते हैं, तो मेरे पास जैसे शुरुआत के अंदर मेरे बेटी की बात आई, फिर मेरे बेटे की बात आई, तो मैंने सबसे पहले उनके ऊपर अप्लाई किया कि खाली मेडिटेशन कराते हैं तो भी नहीं होता है, खाली उसको बोलते हैं अफर्मेशन करो तो भी नहीं हो रहा था। तो मैंने एक दिन सबको बिठा दिया, मैं मतलब बैठो, और फिर बाद में मैंने एक साउंड थेरेपी चालू की, क्योंकि साउंड जो है उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, वो फ्रिक्वेंसी जब आपके माइंड में जाती है तो आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि आप उस समय एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए हीलिंग की जब भी कोई म्यूज़िक है उसके बारे में यही बोला जाता है कि आप ड्राइव करते हो, आप कुछ चलाते हो, या आप कुछ काम करते हो, कोई रिस्क में हो, तब आपको हीलिंग का म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, मेडिटेटिव म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो इतना शांत मोड पे होता है कि आप शायद आपकी आंख बंद हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिर मुझे लगा कि अगर ये स्टेज है तो उसके अंदर अगर हम लोग अगर पॉजिटिव बात भी डालनी हो तो साउंड थेरेपी चालू करता हूँ, साथ में अफर्मेशन करता हूँ, साथ ही साथ मैं उनका हीलिंग भी कर देता हूँ, और साथ ही साथ उनके सातों चक्रों को क्लीन भी करता हूँ, बैलेंस भी करता हूँ। तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जैसा भी मेरे यहाँ पर कुछ लोग हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो दे हैव ए वेरी गुड रिजल्ट्स, ऐसा है। तो इसको हमने नाम दिया ब्रह्मांड की शक्ति और हम। हर बेनिफिट है, यानी अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई बोल रहा है कि मुझे, मैं दवाई ले रहा हूँ यार, मुझे कोई असर नहीं हो रहा है, मैं इतने टाइम से प्रॉब्लम में हूँ, वो अपनी दवाइयों के साथ में इस चीज़ को करेगा तो उसकी दवाइयाँ असर, क्योंकि शरीर जो है, कहते हैं कि हमारा शरीर खुद उसमें ये क्वालिटीज़ है कि वो अपनी हर बीमारी को मिटा सकता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो वो कॉन्फिडेंस वापस आता है, ऐसा है। 100% 100%। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, शुरुआत के अंदर अगर वो किसी भी, जिसको नॉलेज है उसके साथ में अगर वो करता है, वो सीखता है, वो समझता है, वो आता है, तो उसका क्या, एक बार माइंड प्रोग्राम हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं 21 दिन 45 दिन 90 दिन, अगर एक बार वो अपने आप को 90 दिन तक इस चीज़ में अगर इन्वॉल्व कर ले, उसके बाद बॉडी जो है ऑटोमेटिकली रिएक्शन मोड पे चली जाती है, फिर आपका सोच वैसा हो जाता है, आपकी वाणी ऐसी हो जाती है, आपका वर्तन वैसा हो जाता है, साथ ही साथ आप जो भी चीज़ करते हैं आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने नया जन्म लिया है। जैसे छोटा बेबी होता है वैसे ही आपके बॉडी जो है, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि का प्रॉब्लम हो, किसी को शुगर का प्रॉब्लम हो, किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम हो, किसी को पैरों में दर्द रहता हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबका सॉल्यूशन इससे हो सकता ही है, ऐसा है। अभी जैसे कोरोना की वजह से लोगों का है, मेरे को ऐसे कितने लोगों ने अप्रोच किया है कि भाई हम लोग बहुत डरे हुए हैं, ऐसे डाओ, तो जिसमें से दो जने तो अभी आकर भी गए थे, यानी कल, एंड दे सेड, जैसे हमने ये शुरू किया, दे सेड वी आर एकदम कॉन्फिडेंट, खड़े हो करी, तो वो एक अच्छा लगता है। तो वो हमको पता है कि आपका इम्यूनिटी, आपके अंदर जो एक बोलते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस की कमी है कि आदमी डर जाता है, यानी उनको ऐसा था, सर मैं यहाँ हाथ लगा सकता हूँ, मैं यहाँ हाथ लगा सकता हूँ, मैं मतलब कहीं भी हाथ लगा सकता है, डोंट वरी, ऐसा है। कि एक गाड़ी के अंदर आ जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, हम एक ही घर में रह रहे हैं, तो जब हम घर में रह रहे हैं तो हमको कोरोना नहीं है, तो जब हम उस गाड़ी में जा रहे हैं तो हमको कोरोना कैसे हो जाएगा, राइट? तो लोग बाग ये भी डर रहे हैं कि गाड़ी के अंदर जा रहे हैं तब भी वहाँ पर मास्क लगाया हुआ है, अपनी बीवी से बात करने में, जिस बीवी के साथ में 20 घंटे से, तब कोरोना नहीं हुआ, अब हो जाएगा। अब बाहर जा रहे हैं तब आप एक डिस्टेंस रखो, आप जिससे नहीं मिले हो आप डिस्टेंस रखो, आप जिससे, जिस जगह आप कभी नहीं गए आपको डर है आप वहाँ रखो, लेकिन आप जिस घर में रह रहे हो आपको पता है यहाँ कोई आया ही नहीं है, तो आपको आपके घर में थोड़ी कोरोना हो जाएगा,
तो वो जो एक डर है वो भी निकालना जरूरी है, तो ये सब पॉसिबल है। एक्चुअली हूँ मेडिटेशन पहला दिवाड़ी पहला भी मैं 21 दिवस करी थूँ, तेमा मारे छोकरा ने भी लईने आई थी, साउंड थेरापी हतुं एमा कि मारा छोकरा ने शू कान में तकलीफ है सांभळवानी, मैं एने स्पीच थेरापी भी करावड़ी पण तेनाथी क्लियरिटी नहीं आती। सर थी मैं बात करी तो सरे साउंड थेरापी चालू करी, तो मारा बाबा नी साथे साथे मैं मेडिटेशन करायू अने साउंड थेरापी करायू। आजे मारा बाबा ने 7-8 वर्ष में स्पीच में जेटलो 7-8 वर्ष में फरक नहोतो एटलो खाली अहीं 21 दिवस में એકદમ ક્લિયરિટી છે એની સ્પીચમાં। પછી મને બી એવું થયું કે ના સારું છે, એટલે હું આ પછીથી ફરીથી માં મેડિટેશનમાં અત્યારે હું પછી પાછી બેઠી છું, અને પ્લસ મને એનાથી ઘણો ફાયદો છે। જે મને થાક લાગતો હતો, એકચ્યુઅલી હું જોબ કરતી હતી, એમટીએસમાં મારી જોબ હતી, મને એટલો થાક મહેસૂસ થતો હતો હું ઘરે જઈને બીજું કંઈ જ નહોતી કરી શકતી, પણ જે આ મેડિટેશન કર્યું એ પછી મને એટલી એનર્જી અને એટલી ઉર્જા બી મળી રહી છે ને કે હું કોઈની સાથે ગુસ્સો નથી કરી શકતી, કોઈની સાથે સારી રીતે વર્તન કરી શકું છું। હું જો કોઈને કહું છું એક્સેપ્ટ લોકો કરે છે મારાથી કે ભાઈ હા શિલ્પાબેને કીધું તો સાચું છે, મારાથી કોઈને દુઃખ નથી થતું એવી વાતે હું બધાને પ્રયત્ન કરું છું। પ્લસ લોકોથી મને સારું સારું શીખવા બી મળ્યું, પ્લસ સર જોડેથી જે આપણને શીખવા મળ્યું જે અનુભવ છે મારો એ ખતરનાક છે એમ। મને આજે હું ક્યાંય બી જઉં તો મને એવું ડર નથી કે ભાઈ મને શું છે આ, તમે મને કોરોનામાં બી મને નહીં, મેં કોરોનામાં બીજું લોકડાઉનમાં એવું જાહેર થયું કે આપણે ચલો ખુલી જશે તો બી મેં સરને કોલ કર્યો સર આપણે ઓફિસમાં બેસીશું, કે મને ડર જેવી વસ્તુ જ નથી રહી એમ। જે આ મેડિટેશનમાં જે આપણી જે ઇમ્યુનિટી પાવર છે એ બી સ્ટ્રોંગ છે, મને તમે નહીં માનો હું છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં હું દવાખાનું પગથિયું બી નથી જતી, મારા બાબાને બી નથી કે મારા ઘરમાં ફેમિલીમાં નથી, જે ઓમકારનું જે મેડિટેશનનું છે એ મારા ઘરે બી અમે લોકો રેગ્યુલર કરીએ છીએ, અહીંયા તો કરીએ છીએ પણ ઘરે બી 1 કલાક અમે લોકો આપીએ છીએ। બસ એટલું જ કહીશ, મેડિટેશન, સાઉન્ડ થેરાપી, ટેરો કાર્ડ, જ્યોતિષમાં, અને અત્યારે અમે એક બીજું બી સોફ્ટવેર તૈયાર કરી રહ્યા છીએ કે છોકરાઓ માટે ભવિષ્યનું, એ બી અમે ટૂંક સમયમાં બહાર કરીશું। એટલે હજી તો 2 દિવસ જ છે, પણ 2 દિવસમાં ઘણો ફરક લાગ્યો છે। એટલે મેડિસિન તો બહુ સાંભળ્યું છે કે બધું મેડિસિન આવું છે, યુટ્યુબ પર ઘણા વિડીયો છે, પણ જે પ્રોપર જે વસ્તુ છે એ આજે ખબર પડી કે મેડિટેશન શું છે। અને મેડિટેશન એકલી એક વસ્તુ નથી, ઘણી વસ્તુ છે એની અંદર, સાઉન્ડ થેરાપી છે એની અંદર, તમને માઇન્ડ કેવી રીતે રિલેક્સ થાય, બધી રીતે તે જે પ્રોપર જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમને જે હોય એ બધું અહીંયા શીખવા મળ્યું છે। અને ઘણી વખત તમે આમ કોઈ પણ કોન્સન્ટ્રેશન કઈ રીતે કરો એ બધું અહીંયા શીખવા મળ્યું છે મને, હજી 2 દિવસ જ થયા પણ ઘણો ફરક લાગ્યો 2 દિવસમાં। એટલે આમ પહેલાં તો કે હું આખો દિવસ ફોન મચડતો રહું, પણ કાલે એવું વિચારો કે ફોન મચડીને શું ફાયદો, થોડી વાર બેસીએ શાંતિથી, એકવાર આમ બેસીએ, પપ્પા જોડે વાત કરીએ, આમ નવરાપરે તો આખો દિવસ ફોન લઈને જ બેસ્યો, પણ કાલે એવું નહીં થયું અને માઇન્ડ શાંત થયું। એટલે ઘણી વાર બોલા ચાલી થઈ જાય બધા જોડે, પણ જવા દીધું કે નહીં અત્યારે કંઈ કરવું નહીં, બસ એક્સેપ્ટ કરી લીધું છે। મારે હું પહેલાં ભણી બી નહોતો શકતો, અત્યારે હું આ મેડિટેશનથી ભણી બી શકું છું અને સારી રીતે વાંચી બી શકું છું। પહેલાં પરીક્ષામાં માર્ક બી નહોતા આવતા, અત્યારે માર્ક આવી રહ્યા છે, એટલે એની સાથે સર જે કરાવે છે એના કરતાં મને બહુ સારું લાગ્યું કે બાર વધારે પૈસા લે છે અને સર આની સાથે મેડિટેશનની સાથે સાઉન્ડ થેરાપી અને બીજું કરાવે છે તો બહુ સારું લાગે છે, અને પોઝિટિવ ઉર્જા બી આપે છે એટલે સારું લાગે છે, બહુ જ સારું લાગે છે। મેં પહેલાં 14 દિવસનું કર્યું હતું, હવે બીજા 14 દિવસનું કરીશ, એટલે 21 દિવસ એ મારા પૂરા કરીશ, મને બહુ જ મેં 1 વર્ષથી કરું છું, મને બહુ સારું લાગ્યું। પહેલાં જે ભણવામાં બી મન નહીં લાગતું, હવે લાગે છે, પહેલાં તો બધા બોલતા હતા કે ભણવા બેસો, હવે તો હું કોઈનાથી બી નહીં કહેતો કે હું મારી જાતે મારો ટાઈમ સેટ કરીને ભણી લઉં છું, હું મારી રીતે ટાઈમ ટેબલ કરું છું, મારી રીતે હું ભણું છું,